फ्रेंड्स, मेरा नाम है नाजिर। फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पावर बीम को कन्फिगर कैसे करते हैं। ये रही हमारे पास पावर बीम, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। प्लीज़ वीडियो देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये है पावर बीम का स्प्लिटर। इसमें देखिए, मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया वाइड वायर, और ये हमने POE के एक सिरे पे कनेक्ट कर दिया जहाँ पर लिखा होता POE। दूसरा हमारा लैन है, लैन को हम कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं या स्विच के थ्रू कन्फिगर होने के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। ये केवल हमारी लैपटॉप से कनेक्ट है, ये हमारा USB लैन कार्ड है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, अब हम आपको बताते हैं कन्फिगर कैसे करते हैं। ये रहा हमारा लैपटॉप। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारा लैन कार्ड खोलना होता है। लैन कार्ड खोलने के लिए कंट्रोल पैनल में जाइए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहा है ईथरनेट, ये अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखा रहा है क्योंकि इसमें कुछ अभी हमने डाल नहीं रखा है। तो हम इसमें पहले IP डालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हमने IP इसमें डाला है। प्रॉपर्टीज़ में गए हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमने TCP वर्जन 4 सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम IP डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने डिवाइस की सीरीज़ का IP डाल दिया है, और बाकी हम एक्स्ट्रा IP डालेंगे जो हमें बाद में चेंज करनी होती है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट IP हमारा डिवाइस का 192.168.1.20 होता है, तो हमने उसी सीरीज़ का इसमें IP डाल दिया है। बाकी और IP डालने के लिए हम एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर IP डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये IP मैंने डाला है, यहाँ पर सबमिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐड कर दिया। ऐड करने का एक मैंने IP 50 सीरीज़ की डाल दी। जो हमें IP डिवाइस की रखनी है उस सीरीज़ का हम IP डाल देंगे। इसे ओके किया मैंने, ओके किया, देन ओके, ये हमने यहाँ पर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारा पिंग डिवाइस का कनेक्टिविटी है या नहीं है। हमने यहाँ पर डाला PING पिंग 192.168.1.20 -T। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये है, ये डिवाइस की कनेक्टिविटी होता है, डिफॉल्ट IP होता है। चेक करने के लिए हम देख रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा रिप्लाई फ्रॉम कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्टिविटी कंटिन्यू आ रही है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिवाइस का IP डाल लिया 192.168.1.20। यहाँ पर हम इंटर मारेंगे, ये हमारी डिवाइस खुल के आ जाएगी। डिवाइस खोलने के लिए हमारे पास एडवांस को जाना होगा, उसके बाद प्रोसीड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट UVNT होता है स्मॉल लेटर में, यहाँ पर भी UVNT होता है। ये हमने इसे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम आपको बताएंगे हम इसे वायरलेस बनाते हैं। तो वायरलेस के लिए हम आपको सामने दिखा रहे हैं, वायरलेस पे जाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक्सेस पॉइंट बनाना है, एक्सेस पॉइंट डाल दिया हमने, WDS इनेबल कर दिया, यहाँ पर इसे डिसमिस कर दिया। कंट्री कोड हमारा या कंप्लायंस होना चाहिए या लाइसेंस, तो फ्रेंड्स हम लाइसेंस पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे। आई हैव रीड एंड एग्री, तो फ्रेंड्स लाइसेंस हो गया। उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी इनेबल कर लेंगे, एंटीना का वाला, इसे फ्रिक्वेंसी हम डाल देंगे 5460 यानी 5460। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया,
तो यहाँ पर दोस्तों में पासवर्ड डालना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, करंट पासवर्ड में जो हमारा UBNT था स्मॉल में, न्यू पासवर्ड में जो भी आप देना चाहें वो अपना पासवर्ड दे सकते हैं, चेंज कर देंगे। ये वायरलेस सिक्योरिटी यहाँ पर इसलिए डालते हैं जब हम एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो हमें स्टेशन में भी पासवर्ड डालना होगा। तो फ्रेंड पासवर्ड में हाइड कर रहा हूँ, बाकी आप जो दिल चाहें वो आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पासवर्ड भी डाल दिया है और उसके बाद हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर हम एक्सेस पॉइंट डाल देंगे, जैसे सपोज मान लीजिए हमारा एक इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं भगवती। फ्रेंड्स हमने इसका नाम भगवती APSSID है जो हमारी इंस्टीट्यूट है, ताकि हम आपको समझा सकें। चेंज करने के बाद हम नेटवर्क बदलेंगे, नेटवर्क में जो IP हमें देना है वो हम IP चेंज कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों डिवाइस का नाम डाल देंगे जिससे हमें पता लगे हमारा डिवाइस ये है, और यहाँ हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अप्लाई करना है हमें। आप देख रहे होंगे पहले हमारा IP 192.168.1.20 था, अब हमारा IP चेंज हो गया 192.168.50.20। सेम प्रोसीड है, हम उसे एडवांस पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे, देन प्रोसीड। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम जो था वो UBNT था, ये स्मॉल में होना चाहिए, और नीचे हमने जो पासवर्ड डाला था वो। दोस्तों इस टाइम ये हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड है, हम आपको लेकर चलते हैं स्टेशन पर। फ्रेंड्स ये हमारा स्टेशन है, स्टेशन को भी हम सेम प्रोसेस से खोलेंगे जैसे हमने एक्सेस पॉइंट खोला है, वो सेम प्रोसेस है। मैं आपको सारी चीज़ रिपीट करूँगा तो वीडियो को लंबा हो जाएगा, तो इन शॉर्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम में ही सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, यूज़र नेम में UBNT, पासवर्ड में भी UBNT, लाइसेंस कर दिया सिलेक्ट इंग्लिश, देन लॉगिन। फ्रेंड्स आप सब लॉगिन हो गया है, इसमें सारी चीज़ें वही करेंगे। सबसे पहले स्टेशन में हम क्या करते हैं, नेटवर्क IP चेंज करते हैं। जब हम डिवाइस रिसेट करके कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं तो उससे पहले हमें पासवर्ड वगैरह देना होता है, सेम जैसे हमने एक्सेस पॉइंट में दिया था वही पासवर्ड हम यहाँ पर भी दे सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फ्रेंड्स हमने आइडेंटिटी के लिए भगवती स्टेशन डाल दिया है, सिस्टम के अंदर यहाँ पर हम चेंज करेंगे, और हमें नेटवर्क में हमने IP चेंज कर दिया है जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमें जो हमने एक्सेस पॉइंट में पासवर्ड डाला था वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, अगर हम नहीं डालते हैं तो हमारी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल, यहाँ पर फ्रेंड चेंज करते हैं, WDSB इनेबल कर देंगे हम। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे SSID हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा भी एक ही डिवाइस है, आपको दिख रहा होगा भगवती AP। तो फ्रेंड्स मैं दिखाना चाहूँगा आपको आपके सामने, अभी जब हमारा एक्सेस पॉइंट कनेक्ट नहीं है तो आपके सामने सिंगल लाइट दिखा रहा है। एक्चुअली लाइन मैंने निकाल रखी है इसलिए सिंगल लाइट दिखा रहा है। अभी मैं आपको जब कन्फिगर कर दूंगा फिर आप यहाँ पर लाइट देखिएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से कर्सर से नीचे आएंगे, यहाँ पर करेंगे लॉक टू AP और फिर हम इसे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी नहीं डाल रखी है इसलिए ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने में टाइम लेगा, वो आप लोगों के सामने दिख जाएगा थोड़ी देर में। फ्रेंड्स जल्दी से रिजल्ट लेने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को इनेबल करके और जो फ्रीक्वेंसी हमने AP में डाला है वही फ्रीक्वेंसी हम स्टेशन में डाल देंगे और उसके बाद चेंज करके अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ हम डिवाइस को लॉगिन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डालने के बाद।
लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप देखिए हमारे सिग्नल की कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैंने आपको दिखाया था डिवाइस में हमारे सिर्फ और सिर्फ दो लाइटें जल रही थी। कनेक्ट होने के बाद इस तरीके से हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है। जितना बेस्ट सिग्नल होगा उतने हमारे आगे की डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कोऑपरेशन से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।